और अब गरियाबंद से आपको खबर बताएंगे, जहां गरियाबंद के देवभोग में विराजमान जगन्नाथ भगवान आज भी अपने भक्तों से लगान वसूलते हैं। जी हाँ, 84 गांव के लोग भगवान को आज भी लगान देते हैं। लगान देने की ये परंपरा 117 साल से चली आ रही है। लगान के रूप में चावल और मूंग लिया जाता है। यहाँ से वसूला गया लगान पूरे विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर जाता है और फिर उसी का भोग पूरी के जगन्नाथ मंदिर में लगाया जाता है। भगवान के लगान लेने का तरीका भी अलग है। ना कोई कर्मचारी लगान वसूली करने जाता है और ना ही कहीं बही खाते में लगान दर्ज होता है। और उसके बावजूद भी 84 गांव के लोग ईमानदारी से लगान जमा कराने पहुंचते हैं। कभी किसी व्यक्ति पर इसके लिए दबाव नहीं डाला जाता। 1854 में रामचंद्र बेहरा के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का नींव शुरू किया और उनके पुत्र बलभद्र बेहरा के द्वारा 1901 में पूर्ण कराकर प्रतिष्ठा किया गया। हमारे इलाके के 84 गांव के लोगों ने धारा बहाल के शपथ शिला में ये शपथ किया कि हम प्रति वर्ष 84 गांव से भगवान के भोग राग के लिए अपने अपेक्षा से अन्न देंगे